है। तो नाइट्रोजन फैमिली बेटा ठीक है राइट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 15 है नाइट्रोजन फैमिली, जैसे हमने एक बोला था ग्रुप नंबर जो 16 है या 18 है उसको नोबल गैस कहते हैं, ग्रुप नंबर जो होता है 17 को हैलोजन कहते हैं, ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजेन कहते हैं या ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, ऐसी नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली को? हाँ निकोजेन, क्या बोलते हैं? पी से प्री प्री कांस्टेंट होता है निकोजेन राइट। तो निकोजेंस मींस इट इज एन चोकिंग राइट, निको मींस निकोजेन मींस चोकिंग, हाँ पॉइजनस चोकिंग राइट ठीक है। सो दीज आर द पॉइजनस गैसेस होती है, निमोनिया या फॉस्फीन राइट ठीक है, तो ये या फॉस्जीन भी होती है, सो दैट इज व्हाई इट नेम्स कम्स फ्रॉम ठीक है निकोजन राइट ठीक है राइट। सो दीज आर द एलिमेंट NP, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ राइट। एक और होता है 115 भी होता है ठीक है ना, मॉस्कोवियम बोलते हैं उसको, 115 मॉस्कोवियम ठीक है ना। MC इज द सिंबल, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज इट इज नो नॉट नीडेड ठीक है राइट। नाइट्रोजन हमें पता है ठीक है, अगर हम मेटैलिक कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा तो मेटैलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है ठीक है ना राइट। तो नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस होते हैं वो दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, एंटीमनी और आर्सेनिक जो होते हैं वो मेटेलॉइड्स होते हैं, और जो बिस्मत होता है वो मेटल होता है, क्या होता है सॉरी, हाँ इंक्रीज करता है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है सॉरी, हाँ इट शुड बी इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीज करता है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। बट ठीक है राइट, हम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, हाउ डिड डिसाइड कि वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल, हाउ वी डिसाइडेड, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हम ये मेटल है कि नॉन मेटल है? इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन ओके राइट। अगर आप मुझसे कहेंगे, मुझसे पूछेंगे बेटा कि हाउ वी डिटरमाइन कि कैसे पता लगाते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है ठीक है ना, सॉल्ट को देख के राइट। अगर कोई हमारे पास सॉल्ट है तो सॉल्ट को देख के हम बता सकते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ BIF3 ठीक है, तो जब हम BIF3 की बात करते हैं तो क्या होगा, ये क्या यहाँ पे BI कैसे बिहेव कर रहा होगा, यहाँ कैसे बिहेव कर रहा होगा BI, मेटल की तरह, कैसी तरह, मेटल की तरह ठीक है राइट। अब मैं यहाँ ये कंपाउंड मैंने दे दिया Mg3Bi2, अब यहाँ BI कैसे बिहेव कर रहा है, हाउ इट इज बिहेविंग एज एन नॉन मेटल ठीक है। तो बेसिकली जो सॉल्ट होता है बेटा, सॉल्ट हमें बता देता है ठीक है ना कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है ठीक है ना राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ लिखा हुआ है हमने मेटल है, बट BI क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, बट समटाइम क्या होता है वो मेटल नॉन मेटल की तरह भी रिएक्ट करता है राइट ठीक है, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है राइट ठीक है, तो देख के बता सकते हैं हम उसमें राइट। अगर हम अकरेंस की बात करते हैं बेटा तो नाइट्रोजन हमें पता है 78% हमारे एटमॉस्फेयर में, सब मिनरल्स भी थे NaNO3 राइट, चिली सॉल्ट पोटो राइट, या इंडियन सॉल्ट पोटो या सॉल्ट पीटर राइट, NaNO3 KNO3 राइट। फॉस्फोरस काफी मिनरल्स मिलते हैं फॉस्फोरस के, जो फास्फोरस के मिनरल्स की जो फैमिली होती है उसको एपेटाइट कहते हैं, क्या कहते हैं एपेटाइट, जैसे कैल्शियम फास्फेट हो गया दैट कम्स इन एपेटाइट फैमिली, क्या बोलते हैं एपेटाइट ठीक है राइट। नेक्स्ट है ठीक है ना आर्सेनिक एंटीमनी और जो बिस्मत है दे आर फाउंड इन सल्फाइड ओर, हमने देखा था ये कैसे होते हैं, सल्फाइड ओर में फॉर्म होते हैं ठीक है राइट ठीक है। एंटीमनी जो होता है राइट ठीक है राइट, अगर मैं ये अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि विच इज द ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑफ दिस ऑफ दिस दिस ग्रुप, तो क्या आंसर होगा, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नोन नोन एलिमेंट ऑफ दिस दिस फैमिली बेटा, क्या होना चाहिए आंसर, फास्फोरस ओके फास्फोरस ठीक है बेटा, फास्फोरस नहीं है बेटा ठीक है ना, ना नाइट्रोजन है ठीक है ना, नाइट्रोजन ना फास्फोरस, इट इज SB, क्या है SB ठीक है ना राइट ठीक है। एक SB क्या होता है, जो SB2S3 होता है इसका जो क्या कहते हैं, ये जो ओर होता है ठीक है ना, जो सल्फाइड ओर होता है इसको बोलते हैं स्टिबनाइट, क्या बोलते हैं स्टिबनाइट ठीक है ना राइट। जो इजिप्शियन लोग होते हैं, इजिप्शियन की जो लेडीज होती हैं
दे यूज्ड एज एन कॉस्मेटिक। इसको कैसे यूज करती थी वो, कॉस्मेटिक के टाइप से यूज करती थी। किसके लिए? काजल लगाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ काजल लगाते हैं तो अपनी आईज को डेकोरेट करने के लिए दे यूज दिस SB2S3। इट इज ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो पेंटिंग में या खुद को डेकोरेशन के लिए भी वो दे यूज दिस स्टिबनाइट। सो इट इज एन ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, राइट। नेक्स्ट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक जो रेडियस या जो आयनिक रेडियाई होगा, ठीक है, वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता है। कोवलेंट रेडियाई कार्य करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, साइज बढ़ता जाएगा तो रेडियाई भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, राइट। ठीक है, क्लियर है बेटा। ठीक है, बट याद रखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप 15 की होती है वो ग्रुप 16 से ज्यादा होती है कि कम होती है? वो ज्यादा होती है कि कम होती है बच्चों? ग्रुप 15 से वो क्या होती है, ग्रुप 15 की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 16 ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, राइट। तो डिक्रीज करेगी SB और BI की क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वैलेंसी की, राइट। तो व्हाट इज जो वैलेंसी है वो क्या होती है इस ग्रुप की, 3। क्या यहाँ 5 लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ 5 लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस द वैलेंसी इज 5, यस या नो? ओके, नो। व्हाई नो? व्हाई नो? क्या फास्फोरस 5 वैलेंसी नहीं शो करता? 5 इज कोवैलेंसी। हाँ, वेरी गुड। क्या है? नहीं, मैं अगर चलो हाँ नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के लिए 3 है, बट फास्फोरस के लिए क्या वैलेंसी 5 लिख सकते हैं? कैन वी राइट द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस एज 5? नो बेटा, नो। याद रखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, राइट। वैलेंसी जनरली, हाँ कोवैलेंसी में वैलेंसी जनरली डिफाइंड होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन वैलेंसी बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं वैलेंसी को हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना, हाँ, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने के लिए, गेन और या लूज करें टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, नहीं राइट, नहीं बेटा, हाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी होते हैं, राइट। बट वैलेंसी क्या होता है, जैसे अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की वैलेंसी 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल हर्षित ने बिल्कुल सही कहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये होता है, राइट। या हम और अच्छे से डिफाइन करें, या हम किसी और तरीके से डिफाइन करें, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि जो ये है, क्या कहते हैं, अगर मैं बात करता हूं नॉन मेटल के लिए, तो नॉन मेटल की जो वैलेंसी होती है वो डिफाइन कर सकते हैं हम, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने इसके साथ जुड़े हुए, बॉन्ड बना रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड मैक्सिमम। तो आप मुझे बताओ फास्फोरस पे कितने हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम जुड़ सकते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम कैन कंबाइन विद ओनली 3? 5 नहीं होता, PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या होता है, आप सिंपल याद रखें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने जुड़ रहे हैं, दैट इज अ वैलेंसी। जैसे H2S, सल्फर क्या है, H2S, तो वैलेंसी इज 2। ठीक है ना, ऑक्सीजन H2O, वैलेंसी इज 2। HCl, वैलेंसी इज 1। ठीक है ना, NH3, वैलेंसी इज 3। ठीक है, या हम ऐसे कहें, अगर हम यही मेटल की बात करते हैं तो मेटल के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन सभी के साथ बॉन्ड बना लेता जनरली, यानी नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने बॉन्डेड है, बॉन्डेड हो रहे हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी कोवलेंस, राइट। हाँ, ऐसे भी देर आर अदर मेथड्स, बट याद रखेंगे यहाँ पे, तो जो कोवलेंसी है, सॉरी वैलेंसी इज ऑनली 3 नॉट 5 बेटा, ठीक है, ये याद रखेंगे, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे कोई और भी हो, ऑल फैमिली मेंबर है, वैलेंसी इज इक्वल टू 3 नॉट 5। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जो इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉस्फोरस है, तो जब आपने PH3 बनाया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इन दो जो दोनों इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं स्लीपिंग वैलेंसी। क्या कहते हैं? स्लीपिंग वैलेंसी कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज एन स्लीपिंग वैलेंसी। स्लीपिंग वैलेंसी वो वैलेंसी है
विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रही है उसको क्या कहते हैं, स्लिपिंग वैलेंसी। सो कोवलेंसी, सो फॉस्फोरस हैज टू स्लिपिंग वैलेंस। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा -3 +3 और +5 और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट मोर कॉमन क्या है, -3 +3 और +5। टेंडेंसी जो -3 होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, द रीजन इज क्योंकि मेटालिक करेक्टर, ठीक है राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने बेटा, हाइड्रोजन एटम कितने कंबाइन हो रहे हैं किसी एटम के साथ, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी यूजली, या नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने कंबाइन होते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। सो द टेंडेंसी ऑफ -3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज और मेटालिक करेक्टर, ठीक है राइट। और स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या रीजन देंगे यहाँ पे इसका, स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द रीजन इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। एंड +3 का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, +3 का क्या करता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है राइट। नाउ टेल मी बेटा हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, बेटा कितना टाइम बचा है हमारे पास, 5 मिनट, ओके चलिए हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा कैटिनेशन, क्या है कैटिनेशन, कैटिनेशन वी ऑल नो इट कि जब एक ही एटम अपने एटम के साथ कंबाइन करता है तो कैटिनेशन को प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 15 शोज सम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट दैट वाज वेरी स्मॉलर देन कार्बन, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, एजाइड आयन की बात करते हैं, ठीक है, तो 3 नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं। मैक्सिमम जो कोवलेंसी शो करता है, सॉरी कैटिनेशन जो शो करता है वो फॉस्फोरस शो करता है इन द साइक्लिक एज वेल एज इन ओपन चेन कंपाउंड, और डाउन द ग्रुप जो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है राइट, क्लियर है राइट। नेक्स्ट है बेटा एलोट्रॉप्स, राइट। यहाँ पे बेटा बहुत डिबेट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एलोट्रॉप्स के बारे में, राइट। डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स या डिफरेंट जो भी लोग हैं वो अलग अलग राय है इसके प्रति कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो क्या नाइट्रोजन के, मैं आपसे पूछता हूँ, विल नाइट्रोजन शोज एलोट्रॉप्स, क्या नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स होते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज योर ओपिनियन, डस नाइट्रोजन हैव एनी एलोट्रॉप्स? नो, आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर, मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है राइट। एनी वन एल्स, क्या नाइट्रोजन के कोई एलोट्रॉप्स होते हैं? नहीं, नो, मे बी, ओके, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, राइट, ऐसा 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 सम बहुत जगह ऐसा मेंशन है कि नाइट्रोजन सोज एलोट्रॉप्स या हैव एलोट्रॉप्स मोस्टली इन सॉलिड स्टेट, वो उसकी दो फॉर्म्स होती है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन सम हाउ सोज एलोट्रॉपीज इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। बेसिकली उसका एक कंपाउंड होता है जो एलोट्रॉप होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ऐसा नहीं कहता, एनसीईआरटी क्या कहता है कि नाइट्रोजन के अलावा सभी एलोट्रॉप शो करते हैं, ऑल ऑफ फॉर्म्स एलोट्रॉप। बट बाकी अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो वो ये कहते हैं कि एक्सेप्ट बी आई रेस्ट ऑल शोज एलोट्रॉप्स, बी आई शो नहीं करता, राइट, ठीक है। तो ये डिबेट है यहाँ पे कि ये है कि नहीं है। तो बी आई का अगर मैं आप कंक्लूड करूं तो बी आई डज नॉट शोज एलोट्रॉप, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, बट बी आई डज नॉट शोज एलोट्रॉपी, वो शो नहीं करता, उसके एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल शोज एलोट्रॉप्स, ठीक है। बट नाइट्रोजन के भी कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं जिसका एक एलोट्रॉप है या N8, क्या है N8, इसको बोलते हैं ऑक्टा क्यूबेन, क्या कहते हैं, ऑक्टा क्यूबेन कहते हैं, ऑक्टेजा, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्टेजा क्यूबेन, कॉल्ड इट एज एन ऑक्टेजा क्यूबेन। ये कुछ ऐसा होता है अगर आप देखें, ठीक है राइट, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये क्यूब है। तो अगर मैं हर जगह हर कॉर्नर पे एन लगा देता हूं तो मुझे बताइए नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 8। क्या सभी के नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है बच्चों, क्या नाइट्रोजन की सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, आंसर यस या नो, यस, ठीक है राइट। तो क्या है, सम सेज की एग्जैक्टली
एलोट्रॉप्स का मीन्स क्या है कि उसका अरेंजमेंट जो हो एटम्स के बीच का जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, ठीक है ना, राइट, उनके बीच का जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, दैट इज एन एलोट्रॉप, ठीक है ना। तो यूजली जो नाइट्रोजन होता है वो N2 जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखें सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में है, क्या है, सिंगल बॉन्ड में है। सो जिनका स्ट्रक्चर या उनके जो बीच का जो 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 बॉन्ड होगा ना वो डिफरेंट होगा, तो हम उसको कहेंगे एलोट्रॉप्स। तो ऐसे ऐसे कहीं पे मेंशन है समवेयर की नाइट्रोजन शोज एलोट्रॉप्स इन देयर सॉलिड स्टेट, वन ऑफ द एग्जांपल इज N8 बेटा, इसका N8 क्या है, इसका एग्जांपल, राइट। बाकी जो है फॉस्फोरस की एलोट्रॉप की बात करते हैं, ये रेड येलो और व्हाइट, रेड येलो, येलो और व्हाइट दोनों एक ही होता है बेटा, और एक ब्लैक होता है, बाकी येलो व्हाइट होता है, ठीक है ना। Bi does not, that does not shows allotrope, Bi allotropes form नहीं करता है बेटा, Bi, हाँ Bi, राइट, ठीक है, राइट। हम ऐसा कह सकते हैं कि नाइट्रोजन लीस रिएक्टिव नहीं होगा क्या, क्या हम नाइट्रोजन को ज्यादा रिएक्टिव बोलेंगे, कैन वी कॉल इट एज नाइट्रोजन इज अ वेरी रिएक्टिव, नो, राइट। नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हमने डिस्कस भी किया था जब हम मेटलर्जी डिस्कस कर रहे थे, राइट, 941 किलो जूल पर मोल, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ड्यू टू दिस, राइट, वो क्या करेगा इसके लिए काफी ज्यादा, हाँ नियरली इनर्ट, काफी ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 941 किलो जूल पर मोल इज अ बॉन्ड एनर्जी, तो ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट बेटा, इस नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट। कभी अगर कहीं पे इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना होता है यूजली हमें या इंडस्ट्रीज में, राइट, तो नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं टू मेक एन एटमॉस्फेयर इनर्ट, राइट। सो हाँ राइट, सो द नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, बट जो N2 होगा या जो नाइट वो होगा वो लीस रिएक्टिव होगा ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, तो हाँ इन चिप्स पैकेट बेटा, बिल्कुल ऑक्सीडाइज ना करे, तो P फिर AS फिर SB Bi और नाइट्रोजन सबसे नीचे चला जाएगा, नाइट्रोजन सबसे नीचे चला जाएगा, क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है, द रीजन इज ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी अपने ग्रुप के साथ एनोमलस बिहेवियर शो करता है, कोई एक प्रॉपर्टी जो एनोमलस बिहेवियर से एसोसिएटेड हो जो आप जानते हो नाइट्रोजन की, एनी प्रॉपर्टी, एक तो यही है कि ये ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, राइट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट, राइट, एनी अदर प्रॉपर्टी बेटा, एनी अदर प्रॉपर्टी, हाँ ट्रिपल बॉन्ड तो हो गया, तो इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, और कोई प्रॉपर्टी जो आप जानते हो जो एनोमलस बिहेवियर, नो एक्सपेंशन, हाई एनस एनर्जी, बिल्कुल, तो इसकी वजह से होगा क्या, हाँ वेरी गुड, तो क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करता है, जो इसकी एनोमलस बिहेवियर होता क्यों है, ड्यू टू, आप सभी ने सही आंसर दिया है, ड्यू टू वेरी हाई आयनेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, so these are the reason why nitrogen shows anomalous behavior, right, ठीक है, right, आपने देखा होगा नाइट, जो बाकी जो ग्रुप एलिमेंट है they exist as an p4, right, या e4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं, राइट, e4 में, बट नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, नाइट्रोजन तो डाई एटॉमिक होता है, दैट इज इट एग्जिस्ट एज एन एंड, क्योंकि वो क्या है, वो पाई पी पाई जो बॉन्ड बनाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट, बाकी के जो फॉस्फोरस या डाउन द ग्रुप होता है साइज बढ़ जाता है, तो पी पाई बॉन्ड इतना उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, राइट, सो अवेलेबिलिटी टू फॉर्म अ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इट सेल्फ एंड विद द एलिमेंट ऑफ स्मॉल साइज लाइक कार्बन और ऑक्सीजन, राइट, सो इसमें टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्ड बनाने, इसीलिए पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज एन N2, रेस्ट ऑल क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एज एन 4, राइट, एटॉमिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, सो N2 इज डाई एटॉमिक गैस, राइट, रेस्ट इज टेट्रा एटॉमिक सॉलिड, P4 As4 Sb4, राइट, Bi भी मोनो एटॉमिक होता है क्योंकि Bi मेटेलिक करेक्टर होता है, तो Bi क्या होता है, Bi मोनो एटॉमिक होता है, राइट, नेक्स्ट है, ठीक है, ड्यू टू अ वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी इट इज इनर्ट बेटा, क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, इनर्ट होता है, राइट,
ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सीओ सी एन माइनस एनओ प्लस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, राइट right? ठीक है। नाइट्रोजन के कोई सल्फाइड नहीं होता, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म सल्फाइड बेटा, बट बाकियों के सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है ना, राइट right? ठीक है। और इसमें से अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, सो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बाकी कोई भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है बेटा फ्री स्टेट में, नहीं बिस्मत भी, बिस्मत के भी, बिस्मत का भी और होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, वो पॉसिबल फ्री स्टेट में होता है, अवेलेबल होता है, बट रेस्ट फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता, दे ऑल आर अवेलेबल इन इन ओर्स बेटा, ठीक है। सो क्या है, नाइट्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट बट अदर्स डू नॉट, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एन एग्जिस्ट एज एन टू राइट इंस्टेड ऑफ एन फोर वाइल पी एग्जिस्ट एज पी फोर, तो क्या रीजन देंगे इसका हम, वॉट विल बी द रीजन, मैं रिपीट कर रहा हूं, वाई एन टू एग्जिस्ट एज वाई एन एग्जिस्ट एज एन टू इंस्टेड ऑफ एन फोर वाइल पी एग्जिस्ट एज एन पी फोर ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग पी पाई बॉन्ड, है ना, पी पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी उसकी, और वो जो बॉन्ड बनेगा वो काफी स्ट्रांग बनेगा, ठीक है, राइट। जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है, पर जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, दैट इज वाई वो एक एन टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब क्या करते हैं, टेट्राएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है, रिएक्टिविटी एंड एनोमलस बिहेवियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा हाइड्राइड्स, ठीक है ना, राइट। तो नेक्स्ट इज हाइड्राइड्स, राइट। तो हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं इसके, जनरली EH3 हाइड्राइड होता है, तो इन सबके हाइड्राइड्स होते हैं, जो मोस्ट फेमस हाइड्राइड्स है अमोनिया है, दैट इज NH3 PH3 ASH3 और SBS3 और BIH3 सॉरी, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी बेटा, सॉरी ब्लर हो गया बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा, राइट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट बेटा स्टेबिलिटी, राइट। तो क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या होगा इनका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। छोटा एनायन बड़ा कैटायन, राइट, या साइज में डिफरेंस इंक्रीज करता जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी, राइट। तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और अगर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करते हैं बेटा, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एच की देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट, वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट टॉक अबाउट बेटा बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या कहेंगे हम, बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। क्या रीजन दे सकते हैं बेटा हम यहाँ पे, वॉट 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 कैन वी रीजन गिव फॉर अ बेसिसिटी बेटा, बेसिसिटी लिए क्या रीजन दे सकते हैं हम, ड्रैगोस रूल, ओके, मोर एसिडिक डाउन द ग्रुप, ओके ओके, और कोई, एसिडिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, ओके ओके, ये कैसे एसिड हैं, राइट, या जो ये इन ये कैसे बेस हैं, कैसे बेस हैं ये, राइट, व्हाट बेस आर दे, दे आर ए लुईस बेस, क्या है, लुईस बेस है। अब लुईस बेस क्यों होता है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ लोन पेयर, सॉरी दो लोन पेयर क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास नाइट्रोजन और फास्फोरस है तो किसके पास लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की फास्फोरस, फास्फोरस पे, फास्फोरस पे, राइट। तो अगर फास्फोरस पे होगी तो इसका मतलब क्या होगा, तब तो इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए था एज कंपेयर टू एमोनिया, तो इसके हिसाब से आपके हिसाब से तो ये ज्यादा हो जाएगा बेसिक, ठीक। देखिए क्या है बेटा, हाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, कि वो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, राइट, जो
जो किससे सपोर्ट होता है, अगर मैं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछूं, द कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल विच इज सपोर्टेड बाय, बाय मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, पी पाई या क्या कहते हैं और भी कह दें, आंसर इज बैक बॉन्डिंग, आंसर इज बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, राइट ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन लगा दिया, यहाँ ओ लगा दिया और यहाँ कार्बोकैटायन एस लगा दिया, तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन, वाई फर्स्ट वन, वाई फर्स्ट वन, क्यों, एक्सटेंट ऑफ बेंड बॉन्डिंग डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है, वाई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप साइज, हाँ ड्यू टू द साइज, राइट ठीक है, जिसका साइज जितना छोटा होगा ठीक है ना राइट, उसको उसको टेंडेंसी ज्यादा होती है लोन पेयर देने की। मैंने एक स्टोरी भी बताया, मैंने एक तरीके से ही बताया था आपको कि क्या कहते हैं, बहुत सारा अगर ज्यादा किसी के पास अमाउंट होता है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं राइट, अगर बहुत सारा पैसा आ जाए आपके पास तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका घर दोनों के पास अमाउंट सेम था, दोनों के पास दो दो लाख रुपए थे ठीक है ना राइट, इसका घर बड़ा था तो इसको छुपाने की जगह बहुत सारी थी राइट, ये हाइड कर सकता था ये दो लाख रुपए को, बट इसका घर छोटा है, ये दो लाख रुपए को, टू लाख रुपीज को हाइड नहीं कर सकता था, तो हाइड नहीं कर पा रहा है, ये अपने घर पे छुपा नहीं पा रहा है क्योंकि इसका घर छोटा है, तो इसने बोला अगर कभी रेट पड़ेगी तो मैं फंस जाऊंगा, इससे बेटर मैं किसी को दे देता हूं, तो ये इसने इसको दे दिया, लेकिन इसका घर बड़ा है, इसको देने की जरूरत नहीं है राइट ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हम यहां नहीं लगा सकते, कैन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट नॉट ओवर हियर, क्या हम नहीं लगा सकते, सो व्हाट इज द आंसर, why why ammonia is more basic than ph3, the reason is क्यों, क्योंकि इसको क्या होगा, इसका घर छोटा है, इसका घर बड़ा है और नीचे घर और बड़ा होता जा रहा है, ये क्या करेगा easily loan payer क्या करेगा दे देगा, donate करेगा right ठीक है, इसके donation of loan payer की tendency ज्यादा होगी, that is why basicity down the group क्या करती है decrease करती है, और Lewis base ऐसे ही काम करता है right। तो जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है वो आप यहां लगा रहे हो, लेकिन जब यहां आ रहा है तब आप उसको नहीं लगा रहे हो, क्लियर है बेटा, क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल राइट, सो दैट दैट इज द रीजन बेटा राइट। अगर अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा राइट ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम यहाँ पे इनके हाइड्राइड्स की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, वेरी गुड, क्या करेगा इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप राइट ठीक है। अब ठीक है, तो अमोनिया कहाँ रखे हैं, हम अमोनिया कहाँ पे रखे, वेयर विल पुट अमोनिया, अमोनिया विल बी ए मैक्सिमम, नहीं अमोनिया मैक्सिमम नहीं होता बेटा, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो अमोनिया कम्स इन द सेकेंड पोजिशन बेटा, कहाँ पे आता है, बीच में आता है ठीक है, तो पहले आता है SbH, SbH3, फिर NH3, फिर ASH3, फिर PH3 राइट ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये इसमें होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बट SbH3 से इतना नहीं होता राइट, तो यहाँ पे इसका ज्यादा फैक्टर, मॉलिकुलर वेट का फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, या हम अगर कह दें ठीक है कि वो जो डायपोल फोर्स होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू किसे, यहाँ पे इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उससे ज्यादा राइट। नेक्स्ट है बच्चों बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल की क्या बात करें, बॉन्ड एंगल क्या होगा डाउन द ग्रुप, क्या करेगा बॉन्ड एंगल, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल, डिक्रीजेस राइट ठीक है। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ PH3, व्हाट विल बी द, हाँ वेरी गुड, व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल ऑफ PH3, क्लोज टू 90, क्या होगा ड्रेगोस रूल लगेगा यहाँ, क्या लगेगा ड्रेगोस रूल लगेगा ठीक है राइट, क्लोज टू 90 होगा ठीक है ना राइट। अमोनिया का हमें पता है बेटा इट इज क्लोज टू 107, बट रेस्ट इज 93, 92 और 90, ऐसे क्लोज टू 90 होगा राइट, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। फिर करते हैं बात पॉइजनस की बात करते हैं, तो अमोनिया भी पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा इनहेल कर लेंगे तो ये भी नुकसान करता है, डेथ हो सकती है, बट जो बाकी जो हाइड्राइड्स हैं दे आर वेरी पॉइजनस एज कम्पेयर टू अमोनिया, अमोनिया टॉक्सिक है, अमोनिया थोड़ा बहुत इनहेल कर लेंगे तो हम बच जाएंगे,
बट बाकी जो गैसेज होंगी उसको अगर हम इनहेल करेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, राइट। ठीक है, बेटा ये मुझे नहीं पता कितनी देर में खत्म होगा, कितनी देर में खत्म होगा, बट आई हैव सीन, राइट। मैं एक जॉब करता था, एक गजरौला जगह है यूपी में, राइट। वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है जुबिलेंट, क्या नाम है इसका, जुबिलेंट जॉब कंपनी है, राइट। ये बहुत सारे केमिकल्स बनाती है, बहुत सारे केमिकल्स बनाती है, राइट। काफी बड़ी बड़ी फर्म है। इसका नाम अगर आपने कभी सुना हो, एनीबडी हैज सीन हैज लिसन दिस नेम, जुबिलेंट ऑर्गेन, जुबिलेंट, राइट। हाँ, वेरी गुड। कहाँ पे सुना है, डोमिनोस में। अगर आपने डोमिनोस का एड देखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें लास्ट में आता है जुबिलेंट फूड वर्क, ऐसे लिखा आता है डोमिनोज में, राइट। ठीक है, सो दिस कंपनी, जो जुबिलेंट कंपनी है, इसने डोमिनोज को खरीद लिया है इंडिया में। जो इंडिया का सारा जो बिजनेस है वो जो जो डोमिनोज का है, दैट वाज बाय टेक ओवर बाय जुबिलेंट, बेटा। ठीक है, तो मैं जब यहाँ जॉब करता था तो मैंने देखा है कि मतलब वहां पे काफी गैसेस निकलती थी बहुत बार, राइट। ठीक है, राइट। तो नुकसान करती थी, मैंने देखा है लोगों को, मतलब, राइट। तो अब ये मुझे आइडिया नहीं कि कितनी देर में क्या होगा, राइट। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट बेटा, हाइड्राइड्स, अगर और हाइड्राइड्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्राइड नाइट्रोजन का N2H4, बेटा, जिसका नाम है हाइड्रजीन, राइट। क्या आप जानते हैं बेटा हाइड्रजीन का क्या यूज है? एनीवन, एनीवन नोज द यूज ऑफ हाइड्रजीन? एनीवन नोज द यूज ऑफ हाइड्रजीन? नहीं। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम इसको, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होता है, चलिए अभी देखते हैं, राइट। ठीक है, AsH3, राइट, SbS3, अदर और BiS3 क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक होते हैं, दे एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज थोड़ा बहुत बेस, बेसिक नेचर भी होता है, बेस तो है ही है, एसिडिक नेचर भी होता है, ठीक है ना, राइट। जो एमोनिया है, न्यूट्रलाइजेस प्रोटिक एसिड एज वेल एज ए प्रोटिक एसिड, क्लियर है बेटा। प्रोटिक एसिड और ए प्रोटिक एसिड आपने सुना होगा, राइट। हैव यू यू नो प्रोटिक एसिड एंड ए प्रोटिक एसिड, ठीक है। प्रोटिक एसिड वो होता है बेटा जिसमें क्या होता है, एच होता है, जिसमें क्या होता है, एच होता है, जैसे HCl हो गया तो प्रोटिक एसिड हो गया। ए प्रोटिक एसिड का एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटिक एसिड बेटा, एनी एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटिक एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। हाँ, हर्षित ने बिल्कुल सही किया, लुईस एसिड, CO2SO2, राइट। दे आर एज दे आर नोन एज ए प्रोटिक एसिड, सो द लुईस एसिड इज नोन एज ए प्रोटिक एसिड, ठीक है ना, राइट। ए प्रोटिक एसिड दैट इज अ सॉल्वेंट बेटा, मनु, हाँ, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एसिड की बात कर रहे हैं। तो ए प्रोटिक एसिड क्या होता है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, ए प्रोटिक एसिड्स आर लुईस एसिड्स बेटा, ठीक है, CO2SO2SO3, ये सब होते हैं, ठीक है, राइट। अब मैं आपको यही बताने जा रहा था कि N2H4 का सबसे अच्छा यूज क्या है बेटा। हाँ, N2H4 हाइड्रोजीन, ठीक है, हाइड्रोजीन जो है, ठीक है ना, इट इज यूज्ड एज एन रॉकेट फ्यूल बेटा। हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच हाइड्राइड, विच ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से एलिमेंट का हाइड्राइड एक्ट यूज्ड एज एन रॉकेट फ्यूल, तो आंसर इज नाइट्रोजन, एंड दैट हाइड्राइड इज हाइड्रोजीन बेटा, ठीक है, राइट। सो N2H4 क्या रिएक्शन होता है, N2H4+O2 गिव्स N2O+H2O, और क्या मिलता है, बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, 640 किलो जूल अराउंड हीट मिलती है, राइट, और गैस प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज व्हाई क्या होता है, दैट इज एक्ट एज एन फ्यूल बेटा, ठीक है, राइट। आज के टाइम पे लोग H2O2 को भी यूज करते हैं एज एन रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए H2O2 और N2H4, राइट, इन दोनों में से बेटर रॉकेट फ्यूल कौन होगा, तो क्या आंसर करेंगे, विच विल एक्ट एज एन बेटर रॉकेट फ्यूल, क्या क्या करेंगे, H2O2 इज अ बेटर रॉकेट फ्यूल, वाई H2O2 इज अ बेटर रॉकेट फ्यूल, वाई वाई बेटा, O2 देगा, ओके, O2 मिलेगा हमें, इजीली अवेलेबल, राइट, हीट रिलीज करेगा, ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जब होगा तो ये H2O देगा, और यहाँ क्या देगा, यहाँ क्या देगा, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अब मुझे बताइए, एक ऑक्सीजन है और एक नेसेंट ऑक्सीजन है, विच इज मोर रिएक्टिव, नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, विच इज मोर रिएक्टिव बेटा, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना, राइट।
ठीक है, राइट। सो दैट इज वाई H2O2 इज अ बेटर बेटर रॉकेट प्रोपेलेंट, वो भी यूज किया जाता है राइट आज के टाइम पे। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा हाइड्राइड्स बेटा, ठीक है ना, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट, राइट, रिड्यूसिंग नेचर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, राइट, प्रोटिक ए प्रोटिक एसिड, राइट। सो दीज आर द हाइड्राइड्स बेटा, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, राइट। सो ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, राइट। ग्रुप नंबर 15 फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3 और E2O5, ठीक है, राइट। दीज टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, और भी ऑक्साइड्स मिलते हैं इन ग्रुप फैमिली के, राइट, दे बनाते हैं, बट दे आर नॉट सो कॉमन, या वो स्टेबल नहीं इतने ज्यादा बनते हैं, फिर कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट दीज टू फॉर्म्स आर स्टेबल, E2O3 और E2O5। हम जानते हैं नाइट्रोजन, सारे नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना, राइट। सो नाइट्रोजन फॉर्म्स मेनी ऑक्साइड बट PsSb और Bi नॉट, वो नहीं बनाते हैं, राइट, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमने पहले भी एक डिस्कस किया, ये सब आप जानते भी हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। ये हमें डिस्कस करना है डिटेल में, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये इसके ऑक्साइड्स हैं। फॉस्फोरस भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, बट जो मोस्ट कॉमन हैं, राइट, P4O3, P4O8 और P4O10, ये मैंने यहाँ पे डाइमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे भी दिखता है P2O3, P2O4, P2O5, राइट, बट दे एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म में, ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, राइट। AS जो होता है दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, AS4O6, AS4O10। SB भी दो ही फॉर्म में होता है, AS4O6 और AS4O10, और Bi सिर्फ Bi2O3 में एग्जिस्ट करता है, क्लियर, राइट। सो ये जो है, जो ये वाला है, ये कॉमन नहीं है, राइट, ये यूजली क्या करता है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P2O4 या N2O4 के फॉर्म में, राइट, ठीक है। बट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डाइमराइज नहीं करते हैं बेटा, किसके करते हैं, फॉस्फोरस और एंटीमनी और बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी और आर्सेनिक के करते हैं, ये डाइमराइज करते हैं, ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, राइट, कि इनमें से अगर हमें एसिडिक नेचर बताना हो तो विच इज द मोस्ट एसिडिक बेटा, अगर मुझे इनमें से बताना हो, इनको ऑर्डर अगर अरेंज करना हो तो विच इज मोर एसिडिक N2O5। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कह सकते हैं, राइट, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा, राइट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर मैं आपसे इसमें अरेंज करते, मैं बोलता हूँ आप इसको अरेंज करके बताइए, ठीक है, ये तो ये ऑर्डर था, राइट, ठीक है, और ये हमें ये याद रखना है, ये आपको पहले से भी पता है, N2 और जो NO होता है वो न्यूट्रल होता है, बाकी ये तीन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, राइट, ठीक है। और अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि N2O5, ठीक है, राइट, P4O10, ASO4 और SbO10, इन फोर को अगर आपको एसिडिक नेचर में अरेंज करना है तो इसमें कौन सा मोर एसिडिक होगा, पेंटाऑक्साइड की बात करें, अगर हम पेंटाऑक्साइड्स को अगर हम अरेंज करें तो क्या एसिडिक नेचर, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, N2O5। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इसके लिए हम ये लगा सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बेटा H3PO4 हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, हाँ, फॉस्फोरस के एसिड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में, राइट। तो अब हम उसको तब वहां पे उसको टेक केयर करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एसिडिक नेचर है, N2O5 प्लस P4O10 प्लस AS फिर SB, राइट, सेम रहेगा बेटा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम N2O3 की बात करते हैं, ट्राई ऑक्साइड की बात करते हैं, या P4O6, AS4O6 और SbO6 की बात करते हैं, तो भी सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है, राइट। और अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करना हो, कि आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करना हो, E2O3 और E2O5, तब कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, तब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, राइट, तो E2O5, तब वहां भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, राइट, क्लियर है बेटा, ऑक्साइड्स क्लियर है बेटा, राइट, ऑक्साइड्स आर क्लियर टू यू बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा हेलाइड्स, नेक्स्ट क्या है हेलाइड्स, ठीक है। तो व्हाट आर द कॉमन हेलाइड्स राइट, जो हेलाइड्स हैं वो क्या कौन कौन से हेलाइड्स बनाते हैं राइट, ट्राई हेलाइड की पेंटा हेलाइड की दोनों राइट। सो जो ग्रुप 15 है बेटा राइट, वो ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड दोनों बनाते हैं, ई एक्स थ्री और ई एक्स फाइव दोनों होगा, ठीक है ना राइट, ई एक्स थ्री और ई एक्स फाइव। बट ई एक्स फाइव क्या होगा, ई यहाँ पे जो होगा नाइट्रोजन नहीं पेंटा हेलाइड बनाता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। सो क्या होगा यहाँ पे, जो नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता पेंटा हेलाइड के फॉर्म में, बाकी सभी एग्जिस्ट करते हैं राइट, ठीक है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक ही पेंटा हेलाइड जो सॉरी एक ही ट्राई हेलाइड स्टेबल होता है, कौन सा हम कहेंगे कौन सा स्टेबल होगा बच्चों, विच इज स्टेबल, NF3 वाला बिल्कुल राइट, F3 वाला सबसे स्टेबल होगा, वही एग्जिस्ट करता है। आपको मैंने बताया था NCl3 एक्ट एज एन क्या, NCl3 एक्ट एज एन क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, बताया था जब हम हेलोजन डिस्कस कर रहे थे, तो NCl3 एक्ट एज एन एक्सप्लोजिव बेटा, हाँ एक्ट एज एन एक्सप्लोजिव राइट, अगर आपको याद है मैंने बताया भी था NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना। और उसके जो बड़े भाई हैं Ni3, ठीक है ना, Ni3 तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता वैसे Ni3 राइट। इवन आपके हाथ में जो मॉइस्चर है अगर वो भी हो जाएगा तो भी बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है राइट। तो NF3 ही एग्जिस्ट करता है, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, बट NBr3 और Ni3 एग्जिस्ट नहीं करते, एमोनिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये हमने सर पहले डिस्कस भी किया था। तो NBr3 एमोनिएटेड और Ni3 एमोनिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इसमें क्या करता है NF3 एग्जिस्ट करता है राइट। सो दीज आर द आर इसके हैलाइड्स हैं बेटा, ठीक है राइट। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि EX3 और EF3 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि EX5 और EX3 है, अगर हम इससे पूछे इसमें से मोर कोवलेंट कौन सा होगा बच्चों, विच विल बी द मोर कोवलेंट कौन होगा मोर कोवलेंट, EX3 है, EX5 वाला क्या होगा मोर कोवलेंट होगा राइट, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी किसकी, कैटायन की, कितना ज्यादा चार्ज होता है पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है, तो देयर इज मोर कोवलेंट बेटा, ठीक है राइट। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ NF3 और BIF3 राइट, तो कोवलेंट ऑर्डर क्या होगा इसका, विच विल बी मोर कोवलेंट, यहाँ पे कौन कोवलेंट होगा ज्यादा, राइट right? तो NF3 विल बी मोर कोवलेंट देन क्या राइट right? और SBS3 राइट right? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लगा दिया बेटा, इसको सही कर लीजिएगा राइट right? तो ये सही हो कर देंगे इसको, ठीक है राइट right? नाइट्रोजन वाला राइट right? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बेटा, ठीक है राइट right? ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि why NCl3 and PCl3 gives different product on hydrolysis, NCl3 का जब hydrolysis करते हैं तो हमें कुछ और product मिलता है, और जब PCl3 का hydrolysis करते हैं तो कुछ और product मिलता है, तो क्या reason देंगे बेटा right, why due to d orbital, क्या होगा due to d orbital या vacant d orbital right, तो यहाँ पे hydrolysis किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से होगा, फिर यहाँ पे सीएल की वजह से, देखिए क्या है बेटा यहाँ पे क्या होता है, एन और जो सीएल है राइट, दोनों की जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है, इसकी भी 3 होती है और इसकी भी 3 होती है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है राइट right? इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर जैसा होगा, इट विल बी नॉन पोलर, क्लियर है राइट right? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है वो इसके पास ही रहा होगा, क्लोरीन के पास नहीं गया होगा, करेक्ट है राइट right? और जब वाटर आएगा, ठीक है, तो इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, H+ को दे देगा, क्या करेगा H+ को दे देगा, क्लियर है बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
करेक्ट है ना बेटा? ठीक है राइट। तो दिस मींस क्या करेगा, एन किसको लेके जाएगा, एच को लेके जाएगा, तो आपको जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NCl3 मिलेगा। क्या मिलेगा? NCl3 मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एन और जो सीएल है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है राइट। अगर पॉलिंग स्केल याद है आपको तो नाइट्रोजन की 3 होती है और क्लोरीन की भी 3 होती है शायद, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट सेम। दिस मीन्स इट इज अ नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर है ठीक है ना। वो बॉन्ड क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। अब ये लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, बट फिर से क्लोरीन का घर बड़ा है, नाइट्रोजन का घर छोटा है। तो अब ये जब वाटर आएगा तो इसके पास क्या होगा, पहले इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, ओ के पास होगा। तो ये जब इसके नजदीक आएगा तो ये अपना लोन पेयर किसको ट्रांसफर कर देगा, एच को ट्रांसफर कर देगा। तो नाइट्रोजन क्या लेके जाएगा, एच लेके चला जाएगा, और क्या बनाएगा, एमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? एमोनिया बनाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है, करेक्ट है राइट। सो दैट अब लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, जब हम पीसीएल की बात करेंगे, अब पीसीएल में क्या होगा, क्या बॉन्ड पोलर होगा कि नॉन पोलर हो जाएगा? पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा बॉन्ड? अब बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों? पोलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की सेम सिमिलर टू हाइड्रोजन के बराबर होती है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ठीक है ना, और क्या होगा, एच और ओ होगा यहाँ पे। अब इसको कौन अप्रोच करेगा यहाँ पे, इस पे अब कौन अप्रोच करेगा यहाँ पे, वाटर का क्या अप्रोच करेगा यहाँ पे, अब ओ एच नहीं, लोन पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ क्या, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बट ऑलमोस्ट सेम होती है बेटा, 2.5 हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो ऑलमोस्ट सेम कहेंगे हम ठीक है। किसमें है? नहीं अफ राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ क्या होगा, लोन पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो H3PO3 मिलता है। क्या मिलता है? H3PO3 मिलता है राइट। तो हाइड्रोलिसिस दोनों का हुआ, हाइड्रोलिसिस दो ही तरीके से होता है ठीक है ना, या तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर दे, या फिर किसी के पास हो वो उसके साथ एच के साथ बॉन्ड बना ले ठीक है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्राइड मिल रहा है बट यहाँ पे हमें एसिड मिल रहा है फॉस्फोरस का। क्या मिल रहा है? एसिड मिल रहा है फॉस्फोरस का। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी। सो NCl3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NNCl इज सिमिलर, नॉन पोलर है, सो N डज नॉट हैव एंटी सॉरी एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी नहीं है, सो द हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टू एच इन द वाटर राइट। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, वेयर PCl3P हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, सो द बॉन्ड इज पोलर एंड सो पॉजिटिव चार्ज ऑफ P विल अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ वाटर। किसके? लोन पेयर ऑफ वाटर के अट्रैक्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है, करेक्ट है बेटा। ठीक है राइट। सिमिलरली अगर हम AsCl3 की बात करेंगे बेटा, तो भी हमें ये प्रोडक्ट मिलता है राइट ठीक है। AS3ASO3 मिलता है हमें। क्या मिलता है? H3ASO3 मिलता है ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या ऐसे अगर मैं इसकी आपसे पूछता हूँ बेसिसिटी बताइए, तो क्या बेसिसिटी होगी, व्हाट विल बी द बेसिसिटी बच्चों? यहाँ पे बेसिसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द बेसिसिटी? 2 होगी। क्या होगी? 3 नहीं होती बेटा, 2 होती बेसिसिटी, क्योंकि ये H3PO3 है ठीक है राइट। फॉस्फोरस है ये, फॉस्फोरिक नहीं है, फॉस्फोरस एसिड ठीक है राइट। और ASH, जब H3ASO3 की बात करेंगे राइट, तो इसकी जो बेसिसिटी होती है बेटा वो 3 होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी तो 3 होती है बट इसकी क्या होती है, 2 होती है राइट ठीक है। अब यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ ठीक है राइट, कि अगर हमें NCl3, PCl3 और ASCl3, SbCl3 और BiCl3 ठीक है राइट, इसका अगर मुझे ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस की सबसे जल्दी हाइड्रोलिसिस किसका होगा, तो
तो क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर इज ऑफ हाइड्रोलिसिस, सबसे आसान किसका होगा, BiCl3 का। वेरी गुड बेटा। हाँ तो आंसर क्या है, BiCl3 का सबसे ज्यादा, क्योंकि क्यों रीजन देंगे, क्योंकि ये जो होगा पोलैरिटी क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, राइट। जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा ठीक है ना, उस पर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो लोन पेयर उतना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये और ये। क्लियर है बेटा, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस क्लियर है। राइट ठीक है, राइट ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं NCl3 ठीक है, क्या एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, विल इट एक्ट एज एन लुईस एसिड, क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, विल इट एक्ट एज एन लुईस एसिड। क्या ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह, नहीं, इट विल नॉट एक्ट एज एन लुईस एसिड। बट PCl3 कैसे बिहेव करेगा, PCl3 क्या करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, राइट ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि PCl3, ASCl3 और SBCl3 का लुईस एसिड का, ये एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर होगा, तो क्या कहेंगे हम, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, डिक्रीज करेगा। वेरी गुड हर्षित, क्या करेगा, नहीं बेटा डिक्रीज करेगा। द रीजन इज, अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है ठीक है। दे आर लुईस एसिड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है, ये तो सभी में है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिक नेचर किसके होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, PCl3, ASCl3 और SBCl3। क्लियर है बेटा, राइट। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर, और ये क्या है बेटा, राइट, एसिडिक का ऑर्डर हो जाएगा। करेक्ट है बेटा, राइट। तो PCl3 क्या करता है, PCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये रिएक्शन हमने देखी। PCl3 क्या करता है, Cl2 को एक्सेप्ट करता है और PCl5 बना लेता है, क्या करता है, PCl5 बना लेता है। क्लियर है बेटा। सो हाइड्राइड्स क्लियर है आप लोगों को, सभी को हाइड्राइड्स क्लियर है बेटा। ओके चलिए बेटा, हाँ आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने भी ट्राई हैलाइड्स की बात करी, अगर हम पेंटाहैलाइड्स की बात करते हैं ठीक है, राइट, या ट्राई हैलाइड्स की और भी बात करें, अगर हमें क्या करना है ठीक है, राइट, अगर मैं एन, अब यहीं पे क्वेश्चन है, राइट, चलिए मैं ये दूसरे में देता हूँ। हमारे पास अगर अगर हमारे पास NF3 है, NCl3 है ठीक है, और NBr3 है और Ni3 है, राइट, ये है। तो इसका अगर आपको बेसिक नेचर बताना है बच्चों, तो क्या आंसर होगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का क्या ऑर्डर होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बेसिक नेचर क्या करेगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके ओके, इंक्रीज करेगा, राइट। तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा बेटा, इट शुड बी इंक्रीजिंग। वाई बेटा, वाई इंक्रीज करेगा, क्यों, क्या आंसर, रीजन देंगे बेटा, इंक्रीज अधिक, क्या रीजन देंगे बच्चों कि इंक्रीज करेगा, तो व्हाट विल बी द रीजन। हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो साइड एटम है उस पर ध्यान से देंगे, क्योंकि क्या होगा, बेस सब में लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर है, बट क्या होगा यहाँ पे जो एफ होगा वो इजीली क्या करेगा ठीक है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो जो एन होगा एफ एफ और एफ, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट लगाएं अगर हम, तो ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, तो इजिली लोन पेयर जाएगा नहीं। बट आई की बात करें तो आई का क्या होगा ठीक है, राइट, इतनी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा।
तो आंसर क्या होगा बच्चों, डाउन द ग्रुप या इसका क्या करेंगे, सबसे ज्यादा किसका कौन बेसिक होगा, विच विल बी द मोस्ट बेसिक, आंसर क्या होगा, Ni3, फिर NbR3, NCl3 और NF3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट? सो नाउ पेंटाहेलाइड बेटा, ठीक है, पेंटाहेलाइड की बात करते हैं, राइट? तो जो P है बेटा, PF3 और PCl3 दो ही एग्जिस्ट करता है, PBr एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी कभार कहीं देखा, मतलब लिखा रहता है कि वो रहता है, बट यूजली क्या रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है या कैटायन और एनायन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। AsF5 और SbF5 मिलते हैं, और AsCl5 और AsBCl5 मिलता है। अब आप समझ सकते हैं आगे Br और I क्यों नहीं एग्जिस्ट करते होंगे, तो क्या रीजन देंगे वाई Br और वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, वाई वाई वो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे बेटा, ठीक है, ड्यू टू क्या करेंगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बोलेंगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, साइज बढ़ता चला जाएगा, तो साइज बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बेटा, राइट? ठीक है। सो पेंटाहेलाइड एक्ट एज ए लुईस एसिड, ये भी क्या करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। आपने रिएक्शन देखी भी होगी, PCl5 जब Cl- से आता है तो PCl6- बनता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है वो, PCl6- का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, काफी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, राइट? तो ये क्या है, लुईस लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। PCl5 एक्ट एज एन क्लोरीनेटिंग एजेंट ऑल्सो, राइट? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो रिएक्शन अभी हमने लिखी थी, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, PCl3+Cl2 गिव्स PCl5, तो ये रिवर्सिबल होती है, तो आपको क्लोरीन भी मिल सकता है और इससे ये भी मिल सकता है, राइट? सो इट एक्ट एज एन क्लोरीनेटिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है ना, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, तब डिकम्पोज करता है तो क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ठीक है, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चलिए यहाँ मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, राइट? ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि PF5 जो होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, वाई PF डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज, वाई बेटा, PF5 डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज, कैन वी गिव द रीजन वाई, पोलर, ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा, जो इन्होंने अभी बोला है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटा, किसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें अगर हम, PF, हाँ ये आंसर सही है बेटा, ठीक है ना, राइट? देखिए क्या है, जब PF5 को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो एक या तो PO बॉन्ड बनेगा या PF बॉन्ड बनेगा, अब क्या होगा, ठीक है ना, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या रहता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पीओ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, पीएफ वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब क्या करेगा, इसके पास चॉइस है कि मैं यहां जाऊं या यहीं बना रहूं, तो जब क्या करेगा, जब ये इधर जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसका मतलब जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो हाइड्रोलिसिस में कभी भी नहीं जाना चाहेगा, वो सोचेगा कि मैं तो सिर्फ पीएफ के फॉर्म में ही रहूं, क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ओ, तो जो उसका एग्जिस्टिंग बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज वाई PF5 डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज बेटा, राइट? तो PF5, लेकिन अगर मैं PCl5 की बात करता हूं और इसका हाइड्रोलिसिस बोलता हूं तो क्या होगा, क्या ये हाइड्रोलाइज करेगा, यस या नो, तो आंसर है यस, तब ये हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है ना, और क्या बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, अगर आपको याद है मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखना है आपको, तो आपको क्या बनाएंगे, H3PO4 बनाएंगे, तो +5 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, +5, तो रेस्ट ऑल जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं, ठीक है ना, या फॉस्फोरस के और सारे हेलाइड्स होते हैं, वो तो क्या करते हैं, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, बट PF5 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है, राइट? क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट? PCl3 आपने देखा, जो PCl5 होता है, राइट? ठीक है, वो आपने देखा होगा उसकी सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, राइट? आपने पढ़ा है, हैव यू रीड इट बेटा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है आपने, राइट? ठीक है,
तो पीसीएल फाइव किस कैसे एग्जिस्ट करता है, हाउ डज पीसीएल फाइव एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कैसे एग्जिस्ट करता है पीसीएल फाइव, पीसीएल फाइव कैसे एग्जिस्ट करता है आयनिक फॉर्म में, पीसीएल फोर प्लस और पीसीएल सिक्स माइनस, और पीबीआर फाइव और पीबीआर फाइव, पीबीआर फाइव वो कैसे एग्जिस्ट करता है, नहीं ठीक है चलिए बेटा, हाँ जब हम हैलाइड्स डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे हम उसको, जब फास्फोरस डिस्कस करेंगे तो याद दिला देना, ठीक है ना। राइट, क्वेश्चन काफी पूछता है बेटा। हाँ, पीसीएल सिक्स क्या करता है, पीसीएल फोर प्लस और पीसीएल सिक्स माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो पीबीआर फाइव है वो पीबीआर प्लस फोर में और बीआर माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम पीआई फाइव भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, पीआई फाइव फोर प्लस और आई माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे वो पूछता है कि सॉलिड स्टेट में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आप बता सकते हैं सॉलिड स्टेट में कैटायन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, पीबीआर फोर की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, पीबीआर फोर की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट, एसपी थ्री होगी, क्या होगी, एसपी थ्री, और इसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे इसकी क्या होगी एसपी, अगर हम बात करें तो इसकी एसपी थ्री, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी एसपी थ्री डी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, तो प्लीज याद रखिएगा ये जो मैंने अभी तीनों चीजें बताई हुई हैं, सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, हैलाइड्स आर क्लियर टू यू बेटा, ठीक है। और ये भी बात रखिए, याद रखिए बेटा, बीआई पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, ना नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड बनाता है, ना बीआई बनाता है बेटा, तो प्लीज हाँ, एन एंड बीआई डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, पेंटा हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, राइट। दोनों का रीजन अलग अलग है, एन का क्या रीजन था, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और बीआई का क्या रीजन देंगे हम, कि बीआई क्यों नहीं बनाता पेंटा हैलाइड, क्या रीजन देंगे बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, क्या बोलेंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने बोला था स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ड्यू टू क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट ना, सो दैट विल बी द रीजन, क्लियर है बेटा, राइट। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी बेटा, ठीक है, रिएक्टिविटी विथ मेटल, राइट, हमें पता है नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है ना, वो नाइट्राइड बनाता है मेटल के साथ, फॉस्फोरस फॉस्फाइड बनाता है, ऐसी आर्सेनिक आर्सेनाइड बनाएगा, एंटीमनी, ठीक है ना, ठीक है, सभी बनाएंगे, ठीक है, तो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ, तो दीज मेटल रिएक्ट्स विथ मेटल, दीज एलिमेंट रिएक्ट्स विद द मेटल टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस थ्री रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे जब कभी भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट, ठीक है, हाँ यही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्राइड है किसका, कैल्सियम का, फॉस्फाइड है कैल्सियम का, सोडियम के साथ आर्सेनिक है, एंटीमनी जिंक के साथ है, और मैग्नीशियम के साथ क्या है, बी आई है, ठीक है, ये हमने देखा भी था, अगर आपको याद है ये मैंने लिखवाया भी था फॉर्मूला आपको, जब मैं ये बता रहा था कि कौन सा क्या कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जब मैंने बताया था तो मैंने एग्जांपल भी डिस्कस किया था आपको कि बी आई, ठीक है, इट एग्जिस्ट एज एन मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन ए थ्री, ठीक है, एन टू सॉरी सी ए थ्री एन टू कैल्सियम नाइट्राइड और कैल्सियम जो फॉस्फाइड है, जब इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फॉस्फीन बनेगा, क्या बनेगा, फॉस्फीन बनेगा, ओके, राइट, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, हाँ कैल्सियम मेटल, जब कभी भी क्या होगा, हर्षित ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, जब कभी भी आइड हो, जैसे हाइड्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, कार्बाइड हो गया, तो जब आप इससे वाटर से जब रिएक्ट कराओगे तो पहला क्या होगा, ठीक है, पहला H प्लस आएगा, तो यहाँ मिलेगा एच टू, यहाँ मिलेगा OH माइनस, सल्फाइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, OH माइनस,
ठीक है ना, फिर यहाँ लिखेंगे पी एच टू माइनस एन एच टू माइनस सी एच थ्री माइनस एच एस माइनस, फिर क्या होगा एक और वाटर से वो एच प्लस आएगा, तो ये तो हो गया काम, अभी ये बन गया एच टू ओ, ठीक है, और यहाँ बन गया एच टू एस, बट अभी भी ये बना पी एच टू माइनस वन हुआ, एन एच टू माइनस वन हुआ, ये सी एच टू माइनस टू हुआ, फिर से एक बार आप जब वाटर देंगे तो अभी ये बन जाएगा पी एच थ्री, ये बन जाएगा क्या एन एच थ्री, और ये बन जाएगा सी एच थ्री माइनस, एक बार और देंगे जब वाटर तो हमें मिल जाएगा क्या सी एच फोर मिल जाएगा, ठीक है राइट। सो जब आप एन ए ये सी ए टू प्लस है और ये क्या है एन थ्री माइनस है, ठीक है ना, सॉरी एन थ्री माइनस है राइट, ये थ्री था और ये कितने थे टू थे, तो ये क्या करेगा ओ एच एच ओ एच एच और ओ एच एच, तो ये क्या करेगा इधर चला जाएगा और ये कहाँ चले जाएंगे इधर, और यही आपको एच ओ एच ओ एच एच और ओ एच एच लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ओ एच लेगा तो ये क्या करेंगे यहाँ पे और ये तीन एच यहाँ चले जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा टू मोल्स ऑफ क्या मिलेगा एमोनिया मिलेगा राइट, और आपको क्या मिलेगा सी ए ओ एच होल ट्वाइस मिलेगा, कितने थ्री मोल मिलेगा, क्लियर है बेटा, ठीक है। सो याद रखेंगे हमेशा ऐसे ही होगा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका राइट, आपने देखा भी होगा राइट, जब ऐसा क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक में पढ़ा होगा आपने कि मैग्नीशियम कार्बाइड है ना राइट, क्या मिलता है जब हाइड्रोलिसिस होता है राइट, और एल्युमिनियम कार्बाइड जो होता है तो क्या मिलता है राइट, ये आपने देखा होगा राइट, ठीक है, या कैल्शियम कार्बाइड होता है तो आपको क्या मिलता है राइट, ठीक है ठीक है। तो सेम जैसे वो रिएक्शन थी बेटा, तो हाँ एसिटाइलिन मिलता है बेटा, बिल्कुल ठीक है राइट, और जो एल्युमिनियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, एल्युमिनियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों में, क्या मिलता है मीथेन बेटा, वेरी गुड, क्या मिलता है मीथेन, नॉट प्रोपाइलिन, मीथेन मिलता है बेटा, मीथेन राइट, प्लीज याद रखिएगा उसको, ठीक है राइट। तो क्लियर है बेटा ये रिएक्शन, क्लियर है क्लियर बेटा राइट, ठीक है। नाउ टेल मी बेटा हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, बेटा हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, 5 मिनट, ओके चलिए बेटा, हाँ तो हम 5 मिनट में नाइट्रोजन का प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, आज के टाइम पे बहुत पूछा जाता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट लगाए कम है, पिछले मैं लास्ट 2-3 ईयर से देख रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन देता है, मल्टीपल चॉइस भी होता है सिंगल चॉइस भी होता है, तो दोनों में से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन से खास तौर से, ठीक है राइट। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, एमोनियम नाइट्राइड को जब हीट करते हैं बेटा तो N2 मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है ना राइट। देखिए हाँ मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, देखिए हाँ NH4NO2 तो आप कभी भूलेंगे नहीं बेटा, हाँ मुझे आप बताइए इससे आप मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, इससे हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, दो, टू एच टू, तो बचा क्या रह गया, बचा क्या रह गया, व्हाट विल बी द रिमेनिंग, क्या बचा रह गया N2 बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर है राइट, तो कि हीट कर रहे हैं तो वाटर का लॉस करा दो, अब देखिए NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इससे मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं, इससे 4H2 निकाल सकते हैं राइट, Cr क्या बचा, ठीक है राइट, अब Cr क्या है, Cr2 और ऑक्सीजन कितने बचे, ऑक्सीजन कितने बचे हैं, ऑक्सीजन कितने बचे हैं, O3 राइट, और लास्ट में क्या मिले आपको N2 मिला, क्लियर है राइट। अब अगर यही मैं आपसे ऐसे पूछता NH4NO3 को हीट करते तो कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते थे इससे, हम कितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं हम इससे, 2 ही निकालेंगे ना बेटा, 1 क्यों निकालेंगे, 2 ही तो निकालेंगे राइट, तो बचा क्या रह गया, बचा क्या रह गया, व्हाट विल बी द रिमेनिंग, व्हाट विल बी द रिमेनिंग, N2O, वेरी वेरी, एंड नॉट N2 बेटा, N2O, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यही क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा जाता है, ठीक है राइट, कि जब नाइट्राइड को हीट करते हैं अमोनियम को तो N2O मिलता है, बट जब नाइट्राइड को करते हैं तब N2 मिलता है,
अभी आप समझ गए बेटा कि कैसे बनाना है प्रोडक्ट, वाटर निकाल देना है बस, जितना मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल आप निकालेंगे जो बचा रह जाएगा बेटा वही आंसर होगा। क्लियर है राइट? ठीक। अब क्या है, अब NH4NO2 है, अब NH4NO2 तो सॉल्ट है बेटा, तो इस सॉल्ट को हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं राइट। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या करें, हम NH4 का कोई सोर्स ले आए, NH4 क्या हो, Cl हो जाए और ये NaNO3 हो जाए, NaNO2 हो जाए, तो ये जो मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, NH4NO2 मिल जाएगा। और जब इसको हीट करेंगे बेटा, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम मुझे बताइए हर्षित कि इसमें मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं आप, मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं यहां से, H2O यहां 8 है तो 4 ही तो निकाल सकते हैं राइट। यहां से मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं, यहां पे 2, तो ये 2 ही होगा। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वाटर निकालना है, क्या करना है, मैक्सिमम वाटर निकाल देना है बस। क्लियर है राइट? हाँ, हाइड्रोजन को देख के ही निकालना है आपको मैक्सिमम वाटर, कि कितने हाइड्रोजन होते हैं आप उसके हिसाब से ही आप निकालेंगे राइट। क्योंकि जो वाटर होगा, वाटर H2 होगा, तो हाइड्रोजन को ही देख के आपको निकालना है ठीक है राइट। तो नेक्स्ट क्या है, NH4NO3 जो है ठीक है ना, अब NH4NO3 को जब हीट करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा हमें, N2 मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा 2 मोल। सो दिस मीन्स ऐसे भी यूज कर सकता है वो, इनडायरेक्ट यूज कर सकता है ठीक है। तो पहले क्या बना होगा, ये रिएक्शन करके पहले ये बना होगा, उसके बाद फिर ये बना होगा, 2 स्टेप्स में हो जाएगा, इजंट इट बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है राइट। क्या ये रिएक्शन आपने कहीं पे और देखी है बेटा, हैव यू सीन दिस रिएक्शन एनीवेयर, ये वाली जो सेकंड रिएक्शन लिखी हुई है, हैव यू सीन समवेयर बेटा? कोई किसी ने देखी है रिएक्शन ये रेडॉक्स में? ओके ठीक है राइट। ये जो है, ये जो रिएक्शन है बेटा, हाँ स्कूल में बच्चे इसका प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आपने याद है आर्टिफिशियल, अगर आपको वॉल्केनो बनाना है, अगर मे बी आप यू हैव हर्ड अबाउट आर्टिफिशियल वॉल्केनो ठीक है ना, तो जो आर्टिफिशियल वॉल्केनो में जो रिएक्शन होती है वो यही होती है, वो क्या होती है, यही रिएक्शन होती है आर्टिफिशियल वॉल्केनो, वेरी कलरफुल रिएक्शन बेटा, ये बहुत ही कलरफुल रिएक्शन होती है ठीक है राइट। हाँ, तो ये जो है इसका क्या कलर होता है, ये खुद ऑरेंज कलर का होता है राइट, और इसका क्या कलर होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, इसका क्या कलर होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, इसके इसमें राइट, इसमें आपने ये क्या करा, आपने पीओपी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहाड़ बना दिया ठीक है, उसके बाद आपने इसे होल करके एमोनियम डाइक्रोमेट डाल दिया ठीक है राइट, और क्या करेगा, हाँ ग्रीन कलर का होता है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का। तो क्या होगा, जब आप इसको थोड़ा हीट करेंगे, इग्नाइट करेंगे, तो क्या होगा, इससे क्या करेगा, ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे लावा सा बहता है, तो इट इज अ वेरी कलरफुल रिएक्शन बेटा। हाँ ऐसे, और बहुत सारी गैस भी निकल रही होगी, और वो गैस कौन सी निकल रही होगी, विच गैस इज कमिंग आउट, N2 बेटा, N2 राइट। सो क्या होता है, वो साथ में ऑरेंज कलर भी आता है, ऐसा नहीं कि सारा ग्रीन आता है, ऑरेंज भी आता है, क्योंकि सारा का सारा वो कन्वर्ट नहीं होता, तो N2 के साथ कुछ ऑरेंज कलर का भी आता है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बेटा ठीक है राइट। नवनीत सर ने प्रोजेक्ट बनाया है ये अपने स्कूल टाइम में राइट, मैंने देखा था नवनीत सर ने स्कूल टाइम में ये प्रोजेक्ट बनाया था, आपने ही बनाया होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट ठीक है राइट बेटा ठीक है। क्लियर है बेटा राइट? सो लेक्चर क्लियर है बेटा आज का? थैंक यू बेटा। नाउ हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट बेटा, हमारे पास कितना टाइम बचा है अभी बताइए, 0 बेटा ठीक है राइट। मैं नोट्स बेटा भेज दूंगा आपको राइट ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे बेटा ठीक है राइट।
कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।